जिसको कि साड़ी जरूर सी ने उनका जरूर सी बांग्लादेश तक लड़े ये पानी नहीं जालता है। दुख कहूँ शर्मिंदगी कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, जम्मू के कैप्टन सुरजीत सिंह जिनको वीर चक्र के साथ संबोधित किया गया है, वह आज पीएचई जम्मू और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे अपना आप समर्पण कर चुके हैं। अमित शाह यहाँ पर आए हुए तो मैं वहाँ लंगड़ा लंगड़ा ही पहुंच गया। अमित शाह को यहाँ पर आता उसको दिखाता देख तुम्हारी क्या हालत। राजनाथ सिंह जी भी आए सब वो भी आए सब आए थे मैं सबको लाता इधर। लेकिन अफसोस है कि अब प्रधानमंत्री आ रहा है इधर नरेंद्र मोदी जी। मैं बांग्लादेश में मुझे मिले हैं वो उधर मिले हैं अपने देश में मुझे मिले हैं। मैं उनको भी पेश होऊंगा जाकर इस देश की ये हालत है। आप बोलते हैं हमारा देश स्वर्ग है, क्या स्वर्ग है? खाक स्वर्ग है, पानी नहीं है मिलता, क्या स्वर्ग है? उनके घर में पानी की एक बूंद पिछले 10 दिन से नहीं आई और उन्होंने बीजेपी के जितने भी उनके एरिया के कंसर्न जिस तरह कॉरपोरेटर अनु बाली मैडम थे या मेयर रजिंदर शर्मा जी थे या पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी थे या बीजेपी पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी थे, उन्होंने हर एक के साथ बात की लेकिन कुछ भी हल नहीं हो पाया है। और आपको बताते चलें कि पीएचई चीफ इंजीनियर मनचंदा जी से बात करने की कोशिश चैनल वन की टीम ने भी की इस रिगार्डिंग, लेकिन उनके कान पर जूई ना रेंगी और उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। और आपको ये बताते चलें कैप्टन सुरजीत सिंह का जो शरीर है वो गोलियों से छल्ली है और गोलियां लगने के कारण मेडिकल एडवाइस है कि एसी में ना सोए, जिस कारण उन्होंने अपने घर में कूलर का प्रयोग आज भी कर रहे हैं। लेकिन पानी ना होने के कारण वो कूलर भी नहीं चला पा रहे हैं, यानी कि इतना बड़ी अपना योगदान इस देश के लिए देने के बावजूद भी उन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कहाँ विकास हो रहा है और कहाँ स्वर्ग बन रहा है ये हमें भी कोई बता दे। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि हर समय वीर जवानों की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना कहाँ सोए रह गए इस वाक्य में, क्यों उनकी इंटरफेरेंस नहीं दिखी अभी तक? इस समय हम वार्ड नंबर 24 में मौजूद हैं। अनु बाली जी यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ के कॉरपोरेटर हैं। और जब पार्षद बनने से पहले जब वो आम जनता से वोट मांगने आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें याद करवाते हैं कि आपको पानी बिजली की दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी गली नालियाँ बिल्कुल साफ रहेंगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मतलब ये है कि जब आप कुर्सियों पर बैठ जाते हो तो क्या आप अपने वादे भूल जाते हो? हमारे साथ कैप्टन विक्रम जी हैं, सुरजीत सिंह जी माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ कैप्टन सुरजीत जी हैं और विक्रम चक्र इन्हें प्राप्त है। हम बातें करते हैं शौर्य गाथाओं की, हम बातें करते हैं इनकी वीरता की, तो कहीं ना कहीं जब उनको इस समय इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो शायद पार्षद या फिर किसी को समझ नहीं आ रहा कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कि आखिर हो क्या रहा है, पूरा मामला क्या है, पूरी डिटेल इनसे लेते हैं। सर कितने दिनों से ये पानी की दिक्कत आ रही है? 6 दिन से पानी नहीं है, 6 दिन से पानी नहीं है। मैंने कॉरपोरेटर को भी बताया, मेयर को भी बताया, कुलविंदर गुप्ता को, सबको बताया है। वो इस इलाके से वोट लेते हैं, यहाँ पर बड़ी गाड़ी पीएचई की आ नहीं सकती, वो बड़ी गाड़ी भेजते हैं, ड्राइवर बोलता है जी मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं जाओ क्यों आना भाई, ज़बरदस्ती मैं नहीं करता किसी।
रास्ता भी खिलाया मैं रायपुर से, मैं कहा दो खम्भे खाड़ दो पानी है, लेकिन उसने गाड़ी नहीं नीचे लाई। तो अब मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकता हूँ। आप रोज इसी तरीके से अपनी टैंकी से पानी निकाल कर भर कर फिर अंदर पहुँचाते हो? इसी तरीके से पानी भर के पुण्य के कूलर को भी डालता हूँ और नहाने के लिए ले जाता हूँ। आप देख लो पानी की पोजिशन क्या है। आपने इतने साल देश की सेवा की है और आज जब रिटायरमेंट के बाद देश की सेवा मेरी चली गई है, क्योंकि इन लोगों को सिविल लोगों को मेरी कदर नहीं है। मेरी कदर है आर्मी हेडक्वार्टर को, मेरी कदर है ब्रिगेड को, मेरी कदर है डिब को, इनको क्या मेरी कदर है। आपके थोड़ी देर दूर ही घर के, थोड़ा दूर ही, ज़्यादा नहीं है, पुराने मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी रहते हैं, नेर जिंदर शर्मा जी मेयर आए हैं, कविंदर गुप्ता जी की बात करें, सत शर्मा जी की बात करें, सबके बात की है, सबको, कुलविंदर गुप्ता को भी बुलाया मेयर को, बाली उमन बाली को भी बोला है, वो कारपोरेटर का सबको बोला है। बड़ा टैंकर भेजते हैं यहाँ पर, वो वोट लेने कर आते हैं, उनको पता बड़ा टैंकर नहीं जा सकता, फिर भी बड़ा टैंकर भेजते हैं। सिर्फ ये आपके घर में, आपके गली में और भी कोई मकान है जिनको दिक्कत आ रही है? ये पूरा मकान है, तीन बेटे हैं मेरे तो एक मैं हूँ, ये पिछड़ा मल्ला पूरा, ये पूरा मल्ला किसी को पानी नहीं है। कितने सालों से परेशान है ये? इस साल तो बहुत ज़्यादा परेशान है, पिछले साल फिर भी ये नाला बनता था, ऊपर से गाड़ियाँ आती थी तो वो पानी दे जाती थी, पीएचई की गाड़ियाँ, अब ये म्यूनसिपैलिटी के अंदर टैंकर चले गए, म्यूनसिपैलिटी केयर नहीं करती किसी की, म्यूनसिपैलिटी से कोई लड़ना नहीं, केयर नहीं करती है। और पीएचई वाले फिर भी भेजते थे छोटा टैंकर, छोटा टैंकर आ जाता है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी ने कोई केयर नहीं की है। तो ये जो टाइमिंग है पानी की यहाँ पर आने की, ये पानी कितने बजे को दिन में आता है? एक आधी बार ये आता है पानी, अगर पानी छोड़ेंगे तो जरूर आएगा पानी, इस पाइप से आता है, लेकिन अभी आ ही नहीं रहा है 7 दिन से पानी। 7 दिन से बिल्कुल पानी, देख लो। तो ये कब टैंकी भरेगी ये देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि 7 दिन से पानी नहीं है। और ये वादा करते हैं देखिए जी 2400 घंटे आपको बिजली पानी मिलेगा, वो वादे क्या खोखले हैं, जब आम जनता के पास हाथ जोड़कर मिन्नतें करके कहते हो कि हमें आप जिताइए, हम आपके काम आएंगे, आप पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहे। पुण्य के कूलर में डाल रहा हूँ मिट्टी वाला पानी, रुमाल रख के पुण्य के कूलर में डाल रहा हूँ रात निकालने के लिए, क्योंकि मैं गोलियाँ लगी हुई हैं 3, मुझे डॉक्टर ने बोला है एसी के नीचे नहीं सोना है, एसी के नीचे आप बीमार हो जाओगे। ये देख लो मेरी हालत, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये बांग्लादेश की लड़ाई लड़ के आया, ये देख लो, ये लोग मेरी कदर नहीं करते हैं, हिंदुस्तानी हैं तो। मैंने बहुत काम किए हैं, जनरल न्याजी को मैंने ही रेस्ट किया हुआ है, कोई रेस्ट करने लगा पैदा हुआ माँ का लाल। ये वीरता होती है तभी वीर चक्र प्राप्त होते हैं, ये शौर्य गाथाएं हैं उन लोगों की जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए जंगें लड़ी हैं। और आज जब रिटायरमेंट के बाद जब अपने परिवार के साथ इस तरह का जीवन व्यतीत करना पड़े, आप पानी तक मुहैया नहीं करवा सकते, आप स्मार्ट मीटरों की बात कर रहे हो। मैंने कंटिन्यू लड़ी है, 62 की ले में लड़ी है, 65 की हाजीपुर सेक्टर लिया है, और 71 की बांग्लादेश में लड़ा, जहाँ पर आज वहाँ पर समागतन हो रहे हैं, इधर नहीं जाने देंगे हम किसी। जनरल विक्रम सिंह गया है, मैं गनर मेरा नंबर 2 मर गया, मैं उसको नीचे ढांपा हुआ था, जनरल विक्रम सिंह ने बोला हेलो हलदार क्या हाल है, उन्होंने डांगरी लगाई थी, मैं उसको हलदार था, मैं कहा आई एम वेरी फाइन साहब, तो बोला घबराया नहीं है, मैं कहा जनरल विक्रम सिंह नॉमिनेशन भेज रहा है, मैं क्यों घबराऊंगा, वेरी इज नंबर 2, मैं कहा नंबर 2 की डेथ हो गई है, डम कर रखा है, जब सीसफायर होगा जला देंगे इसको। उसने उसी वक्त मुझे सब इंस्पेक्टर सुविधा बनाया था। सर आपका, आपकी इस समय उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 85 साल होगी। आपकी 85 साल उम्र है, ये आपके, आपने जितना साल देश के लिए शावर किया, वो जो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में रहता है वो आज भी है, और बाकियों को भी सीखना चाहिए, हमें भी सीखने को मौका मिल रहा है, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या इनको दिख नहीं रही, फिर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं ना? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं सब कुछ, इन सबको पता है कि पानी नहीं है उनके घर में 5-6 दिन से। अब मैंने बच्चे जो हैं ताले मारे हैं, नशहरा नानकू के घर भेज दिए हैं, मैं कहा जाओ यार इधर पानी नहीं है तो क्या करना है, मैं तो गुजारा करूँगा, मकान तो खाली नहीं छोड़ सकता ना। तो आज मैंने एक पड़ोसी से पीछे से पानी लेकर 10 बाल्टी पानी 3 इंची बाथरूम वाली में डाला है। इतना आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी क्या मजबूरी हुई 2023 में आप रह रहे हैं, और देखिए यहाँ से पानी भरकर इस कूलर में डाला जा रहा है, और ये कहा है कि देखिए मुझे गंभीर चोटें जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ के दौरान लगी थी, और डॉक्टर ने साफ तौर पे मना किया है कि देखिए आप एसी की हवा मत लीजिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इस 85 साल की उम्र में ज़िंदगी के असूल, ज़िंदगी का डिसिप्लिन वैसा ही है जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी में सीखा और जो बाकियों को सिखाते हैं, लेकिन मजबूरी भी ऐसी है जो खुलकर बता नहीं सकते, बताएं किसको,
पार्षद को बताया, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पर ये कहते हैं कविंदर गुप्ता जी तक बताया, सत शर्मा जी को बताया, मेयर को बता दिया, फॉरन मेयर को बता दिया, तो अब क्या मतलब, क्या कब आप नींद से जागोगे? ऊपर देख लो, मत बोलो जो ऊपर भी चलते हैं, कुछ और तस्वीर आप तक बताएंगे, लेकिन आम जनता जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिरकार जो देश के लिए जान देने को तैयार होते हैं, जो अपनी जिंदगी ता उम्र जो है अपने देश को समर्पित करते हैं, रिटायरमेंट के बाद जब अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने कुछ हसीन पल जीते हैं, तो क्या वो हसीन पल इस तरह से होने चाहिए? तो वार्ड नंबर 24 में हम आए थे और हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। पानी की किल्लत इतनी है कि नेबर से जो आगे पीछे इनके रहते हैं उनसे पानी की दरख्वास्त भी की। आज का दिन तो निकल गया, अब कल क्या वो पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, इनको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या फिर कल फिर से नेबर्स के आगे बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ा पानी दे दीजिए ताकि मेरा जो है आज का समय निकल जाए, आज का दिन निकल जाए। टैंकी बिल्कुल खाली है। नीचे आप देखिए किस तरीके से खुद ही 85 साल की उम्र में खुद ही पानी निकाल रहे हैं जो बचा खुचा है, इतना कि आज कूलर भर जाए और आज चैन की नींद जो है हम सो सकें। ये वही वीर जवान हैं जो सरहदों पर हमने देश की रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। लेकिन यहाँ के जो फॉर्मर MLA हैं सत शर्मा जी, शायद उनको ये बात शायद एक नॉर्मल सी लगी होगी, पानी आज नहीं तो कल आ जाएगा, शायद उनके घर पर आ रहा होगा। अनुबाली जी कॉरपोरेटर हैं, वो आराम से शायद AC में सो रहे होंगे, उनको उनके वहाँ पर लाइट भी होगी, पानी भी होगा। या फिर जितने भी भाजपा के नेताओं के पास ये गए हैं, चाहे कविंदर गुप्ता जी की बात की जाए या फिर फॉर्मर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की बात की जाए या फिर जो मौजूदा राजेंद्र शर्मा जी हैं, लड़की से ही बात की है जो कॉरपोरेटर है उससे भी बात की है, सबसे बात किया है, सबसे बात किया। एक एक को टेलीफोन किया, बोला अभी आ रहा टैंकर, अभी हम मेगा टैंकर ही पानी छोड़, अभी पानी छोड़ दे। तो PHE वाले से PHE वाले तो उनके पास टैंकर नहीं आई कि म्यूनसिपैलिटी में चले गए सब। हाँ जेम्स, उसके बाद एक लैंड मैन है उसको मैंने टेलीफोन किया, मैं कहा यार पानी खोल लो को 10-15 मिनट, बोला कल खोलेंगे आज नहीं खोलेंगे। मैं क्या अफसोस, मैं टांग से नहीं चल सकता, तुझे उधर ही आकर देख लो मैं क्या है। तो आप खुद अंदाज लगाइए कितने दुखी होंगे ये, और क्यों ना हो, आपके एक दिन घर पे पानी ना आए, बिजली ना आए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं दरख्वास्त करूंगा जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, मैं दरख्वास्त करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अगर विकास इस तरीके से होगा तो फिर आप खुद समझ लीजिए कि आम जनता किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो बिता रही है। उम्मीद यही है कि ये स्टोरी देखने के बाद इनको खास तौर पर यहाँ के चाहे कारपेटर हो या कोई भी जो PHE विभाग हो या फिर GMC हो, वो यहाँ पर आए, इनकी समस्या का जो है निवारण निकालें। एक हफ्ते से परेशान है और अगले कितने दिन तक निवारण नहीं हो पाएगा ये भी नहीं पता। आप दिल से कमेंट कीजिएगा और दिल से ये स्टोरी को शेयर कीजिएगा ताकि इनको जो पिछले एक हफ्ते से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जल्दी प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो है, अपनी नींद से जागें, कॉरपोरेटर जो हैं, मेयर जो हैं, फॉर्मर MLA जो हैं या फिर मौजूदा भाजपा के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके नींद से जागिए और इनकी मदद कीजिए जिन्होंने देश के लिए जो है गौरव हासिल किया है, देश के लिए जो है लड़े हैं, आज 85 साल की उम्र में उनको इस तरह से रहना पड़ रहा है। देखते हैं चैनल वन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार। आप देख रहे थे चैनल वन, ब्यूरो रिपोर्ट जम्मू से।